राजनंदन गांव जीविक खेती को बढ़ावा देने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। कार्यशाला में जिले के किसान सहित अन्य जिले के वैज्ञानिक पहुंचे। जैविक खाद उपयोग कर साल भर का खर्च निकालने किसान वैज्ञानिकों ने कम खर्च पर जैविक खेती कर आमदनी बढ़ाने के गुर उनको सिखाए। राजनंदन गांव जिले के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में स्थायी कृषिगत उत्पादन हेतु जैविक खेती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू सहित कृषि वैज्ञानिक ने किया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले के विभिन्न सहित अन्य जिलों के वैज्ञानिक उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पंडित शिव कुमार शास्त्री महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव ने गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में स्थायी कृषिगत उत्पादन हेतु जैविक खेती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन का शुभारंभ डोंगरगांव के विधायक दलवीर साहू ने किया। वहीं इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले के महिला पुरुष सहित सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। वहीं इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले के साथ साथ अन्य जिले के कृषि वैज्ञानिक पहुंचे और कार्यशाला में किसानों को रासायनिक खेती का जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं छत्तीसगढ़ की नई सरकार की नई योजना नरवा गरवा घुरवा बारी जैसी योजनाओं को गाँव के घर ग्रामीणों को फायदा पहुंचाने की योजनाओं को कितावन करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके में हर घर में बाड़ी होती है, जिसके लिए जैविक खेती कर इस बाड़ी में ही सब्जी या फूल महत्वपूर्ण हो गया है और आवश्यक भी है कि इस ढंग से सेमिनार ऐसी जागरूकता जैसे शिविर जो जैविक खेती के बारे में जो हमारे दीन पाली जी हमारे महाविद्यालय कृषि विभाग के द्वारा आयोजित हो रही है, ये निश्चित रूप से कारगर साबित होगा और समय समय में आवश्यक भी है। और आज के जो इतना प्रदूषण के जो वातावरण जो फैल रहा है और एक ऑर्गेनिक जो खेती जो है बहुत ही जरूरी है हम सब लोगों के जीवन के लिए। निश्चित मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आयोजन इस प्रकार के जो आयोजन है हम सब किसानों के लिए हम जैसे कि उच्च टेक्नोलॉजी खेती करने वालों के लिए कारगर साबित होगा। सरकार भी इसमें कृषक भी आए हैं और विद्यार्थी वैज्ञानिक विद्यार्थी भी आए हैं, कैसे आयोजित करें, क्या इसका ऑपरेशन क्या लोगों को पर्सन है? देखिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी 4 चिन्हों पे चल रही है, एक नरवा घुरवा गरवा और बाड़ी। तो हमने घुरवा को हमने उन्नत तरीके से खाद बनाए जिसमें जैविक खेती हमारे किसान कर सके। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम गांव के लेवल पे हम जैविक खाद बनाएं और उस खाद को हम बाड़ी में उपयोग करें। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि हर घर में बाड़ी है, हर बाड़ी में कूड़ा है और हमारे किसान अभी जो बाड़ी खेती कर रहा है वो सिर्फ ऐसी सब्जी उगा लेता है अपने खाने पीने के लिए। हमारा जोर यह है कि बाड़ी में जैविक खेती करें और साल भर की कमाई पूरे साल भर का खर्च जो है ना बाड़ी से निकाले, बाड़ी में उन्नत जैविक खेती करें, जैसे उन्नत वर्मी खाद बनाए कम्पोस्ट खाद बनाए और हम मशरूम ले मशरूम का बाई प्रोडक्ट कम्पोस्ट में उपयोग करें। तो बाड़ी से इतनी आमदनी ले कि साल भर के खर्च चले और जैविक खेती करें और बड़े खेतों की आमदनी बड़े कामों में करें। और जैविक खेती के बारे में हम किसान को जागरूक करना है, जब वो बाड़ी से तो उत्पाद निकलेगा और बाड़ी से उत्पाद जब निकलेगा तो किसान जो है ना जब मार्केट में ले जाएगा जब लोगों को पता चलेगा कि जैविक उत्पाद है तो उसको मार्केट में दाम भी ज्यादा मिलेंगे और हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आज जो दिनों दिन जो कैंसर बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं वो अंदर रासायनिक दवाइयों के उपयोग से है।